माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी और मोनीटरी कंट्रैक्शन स्टूडेंट्स आज हम लास्ट मॉड्यूल में हमने फिजिकल पॉलिसी को स्टडी किया था ओपन इकोनॉमी में तो आज हम मॉनिटरी पॉलिसी को देखेंगे और हम केस ले रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्शन इन द मनी सप्लाई आ रिडक्शन इन द डोमेस्टिक मनी सप्लाई इन अ कैंडियन मॉडल शॉर्ट एन इफेक्ट्स ऑन द डोमेस्टिक एंड फॉरन इकानीज तो हम देखेंगे कि डोमेस्टिक इकॉनोमी में जब मनी कंट्रैक्ट होती है तो इसका इंपैक्ट डोमेस्टिक इकॉनोमी पर क्या होगा और और उसके ट्रेडिंग पार्टनर्स यानी फॉरेन इकोनॉमी पर इसका इम्पेक्ट क्या होगा इस डायग्राम की मदद से हम इसको समझते हैं जो इनिशियल इक्बियम पॉइंट है वो ई है जिसमें आई एस एल एम और एफ ई लाइन तीनों इंटरसेक्ट कर रहे सो आई डिक्रीज इन द मनी सप्लाई विल शिफ्ट आप जानते हैं एलएम कर्व को ये अपवर्ड शिफ्ट कर देगा तो मनी सप्लाई कम होने की वजह से दिस विल बी द एल एम कर्व सो शॉर्ट टर्न में एक लिब्रियम कहाँ पर होगा शॉर्ट टर्न में एक होगा जहाँ पर आई एस और नया एल एम कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर शॉर्ट टर्न में क्या हो रहा है आउटपुट कम हो रही है ओके आउटपुट लेवल जो है वो कम हो रहा है इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो रहा है ई e और एफ को अगर आप कंपेयर करें तो जब ई e इसी आप एफ पर जा रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो रहा है और नेट एक्सपोर्ट्स में प्रॉबेबली इसमें अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये क्या कैसे इजाफा होगा नेट एक्सपोर्ट्स में ये तो शॉर्ट रन की चेंजेस हैं लॉन्ग रन में देर विल बी नो रियल इफेक्ट ठीक है प्राइसेस कम हो जाएंगी डोमेस्टिक प्राइसेस कम हो जाएंगी और एलम कर वो अपने पहले ओरिजिनल लेवल पर वापस आ जाएगा सो द डोमेस्टिक एल एम कर शिफ्ट अपवर्ड इस कंट्रेक्शन में लेफ्ट वर्ड इन द शॉर्ट एंड डोमेस्टिक आउटपुट इज लोअर एंड द रियल इंटरेस्ट रेट इज हायर अभी मैंने आपको डायग्राम से एक्सप्लेन किया कि उसके अपवर्ड शिफ्ट करने की वजह से शॉर्ट एंड में क्या हो गया आउटपुट में कमी होगी और इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो गया द एक्सचेंज रेट अप्रीशियट बिकॉज लोअर आउटपुट रिड्यूस डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स कि जब आउटपुट में कमी वाकई हुई तो उसके नतीजे में हम फिर अपना एक्सपेंडिचर कम कर देंगे क्योंकि हमारी आमदनी कम होगी और इम्पोर्टेड गुड्स पर भी एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा इम्पोर्ट्स कम होने की वजह से हमारी करेंसी जो है वो एप्रिशिएट कर जाएगी ठीक है दस रिड्यूसिंग द सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक करेंसी टू द फॉरन एक्सचेंज मार्केट एंड बिकॉज द हायर रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीजिज डिमांड फॉर द डोमेस्टिक करेंसी यानी दो चीज़ें हो रही आउटपुट में कमी बाकी होगी उस कमी के नतीजे में क्या हुआ कि हमारी इम्पोर्ट्स कम होगी और इम्पोर्ट कम होने की वजह से हमारी करेंसी जो है वो अप्रिशिएट कर जाएगी। और दूसरा ये कि इंटरस्टेट में इजाफा हो गया इंटरस्टेट में इजाफा होने की वजह से हमारे लिए फॉरनर्स के लिए हमारे ज़्यादा अट्रैक्शन होगी कि यहाँ पर इन्वेस्ट करें और उसके नतीजे में भी हमारी करेंसी की डिमांड बढ़ेगी और वो अप्रिशिएट करेगी सो द डलाइन इन डोमेस्टिक इनकम रिड्यूस डोमेस्टिक डिमांड फॉर फॉरन गुड्स ट्रेंडिंग टू इनक्रीज नेट एक्सपोर्ट्स सो डोमेस्टिक इनकम में कमी के नतीजे में नेट एक्सपोर्ट्स जो हैं इनमें हमने देखा कि इन में इजाफा हो जाएगा कैसे इजाफा हो जाएगा कि जब आपकी इनकम कम होगी आपकी इम्पोर्ट्स कम होगी और नैट एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट का डिफ्रेंस है तो उसमें इजाफ़ा हो जाएगा द राइज़ इन द रियल इंटरस्टेट लीड्स टू एन अप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी और इंटरस्टेट में इजाफे के इंतीजे में हमारी करेंसी अप्रिसट हो जाएगी और ये जो अप्रिसन है दिस विल रिड्यूस नैट एक्सपोर्ट्स कि जब हमारी करेंसी स्ट्रांग होगी तो इसका इम्पेक्ट एक्सपोर्ट्स पर क्या होगा कि हमारी एक्सपोर्ट्स अब महंगी हो जाएंगी तो उसके नतीजे में हमारी नेट एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे तो ये दो दो अब अपोजिट डायरेक्शन में उसका अफेक्ट हो रहा है नेट एक्सपोर्ट्स पर कि इनकम में ठीक है डिक्लाइन इन डोमेस्टिक इनकम में कमी के नतीजे में हमारी नेट एक्सपोर्ट्स में इजाफ़ा हो रहा था और रियल इंटरेस्ट रेट में इजाफे के नतीजे में नेट एक्सपोर्ट्स में कमी वाकई हो रही इसका नेट आउटकम क्या होगा एक की वजह से एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं दूसरे की वजह से एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं तो इसको देखने के लिए जो लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि प्रॉबिबली जो है आपकी एक्सपोर्ट्स इनक्रीज़ कर देंगे हमने लास्ट मॉड्यूल में हमने देखा था कि जब भी कोई करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट करती है तो उसका लॉन्ग रन इम्पैक्ट तो ये है कि नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ जाती हैं लेकिन शॉर्ट रन में ये इम्पैक्ट जो है ये समाइम्स वीक होता है रादर अदर समाइम्स ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो उसी एनालिसिस को जे कब्स वाली बात को अगर आप रहन में रखें तो उसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेकेंड उसमें नेट एक्सपोर्ट्स में कमी वाली बात है ये रिलेटिवली वीक होगी एज कम्पेयर टू जो पहले स्टेप में उसमें इजाफा हो रहा so हो है सो द नेट आउटकम क्या होगा नेट आउटकम फिर ये कि सिंस ये वाला स्ट्रांगर है एज कम्पेयर टू दिस वन तो नेट एक्सपोर्ट्स विल इंक्रीज सो हाउ द फॉरेन कंट्री विल बी एफेक्टेड सिंस डोमेस्टिक नेट एक्सपोर्ट्स इंक्रीज फॉरन नेट एक्सपोर्ट्स मस्ट डिक्रीज टिफ्टिंग द फॉर आई एस डाउन एंड टू द लेफ्ट कि हमारी नेट एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा है कि नेट एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ गई और हमारी नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ने का मतलब यह है कि जो हमारे ट्रेडिंग पार्टनर हैं उनकी नेट एक्सपोर्ट में कमी वाकई होगी तो उनका आई एस कफ डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा आउटपुट एंड द रियल इंटरेस्ट रेट इन द फॉरेन कंट्री डिक्लाइन सो अ डोमेस्टिक मॉनेटरी कंट्रैक्शन लीड्स टू रिसेशन अब्रॉड इसको डायग्राम से हम देख लेते हैं कि नेट एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ी हमारे ट्रेडिंग पार्टनर की कम होगी उनका आई एस डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया तो ये ई सी आप एफ़ पर आ गए शॉर्ट टर्न में और एफ़ में आने के नतीजे में क्या हुआ कि आपकी जो ट्रेडिंग पार्टनर थे उनकी इनकम भी इनकम कम होगी और उसके साथ उनका रियल इंटरेस्ट रेट भी कम हो गया ये तो शॉर्ट टर्न इम्पेक्ट होगा लेकिन लॉन्ग रन में जैसे आपको बताया कि देर विल बी नो रियल इफेक्ट ओके फॉरन प्राइस विल बी अनचेंज आन, ये कर दोबारा आई एस कर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और इकॉनॉमी फॉरन इकोनॉमी अगेन पॉइंट ई बी आर आकर इक्वरी में होगी सो इन द लॉन्ग रन वेजेज एंड प्राइस इन द डोमेस्टिक इकॉनॉमी डिक्लाइन एंड द एल एम कर रिटर्न टू इसीजिनल पोजिशन शॉर्ट रन में इम्पेक्ट है लेकिन लॉन्ग रन में क्या है कि प्राइस और वेजेस दोबारा अपने उसमें मनी ट्रांजैक्शन की वजह से उनमें कमी वाकई हो जाएगी और वो अपनी औरिजिनल पोजिशन पर एल एम करवा देगा आर रियल वेरिएबल्स इंक्लूडिंग नेट एक्सपोर्ट्स रियल एक्सचेंज रेट विल रिटर्न टू देर ओरिजिनल्स सो इसका किसी भी रियल वेरिएबल पर कोई असर नहीं होगा एज अर द फॉरन आई एस का रिटर्न टू इट्स ओरिजनल लेवल जब डोमेस्टिक इकोनॉमी में कोई रियल वेरिएबल इन द लॉन्ग रन में इफेक्ट नहीं होगा तो फिर उसके नतीजे में जो आपके ट्रेडिंग पार्टनर हैं उन, उन पर भी कोई इम्पेक्ट नहीं होगा तो उनका आई एस का जो डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ था वो भी अपने ओरिजिनल लेवल पर दोबारा वापस आ जाएगा दस देर इज नो लॉन्ग रन इफेक्ट ऑन एनी रियल वेरिएबल ए डोमेस्टिकली आर अब्रॉड दिस रिजल्ट होल्ड इन द लॉन्ग रन इन द केंजियन मॉडल बट इट होल्ड इमिजिएटली इन द क्लासिकल आर बी सी मॉडल मॉनिटरी कंट्रेक्शन अफेक्ट्स ऑनली द प्राइस लेवल इवन इन द शॉर्ट रन जो क्लासिकल मॉडल में आप जानते हैं कि उस इनके ये है कि जी प्राइस बहुत क्विकली एडजस्ट कर जाती हैं परफेक्टली फ्लेक्सिबल होती हैं तो इसलिए केन्स में रिजेक्ट होती हैं तो वो लॉन्ग रन में जो इम्पैक्ट है वो क्लासिकल मॉडल में वो शॉर्ट रन में वही वाला रिजल्ट होगा सो द दानिट्री कॉन्टेक्शन डज नॉट अफेक्ट द रियल एक्सचेंज रेट इट डज अफेक्ट द नॉमिनल एक्सचेंज रेट बिकॉज ऑफ द चेंज इन द डोमेस्टिक प्राइस लेवल ये इक्वेशन अगर आप रिकॉल करें हमने डिस्कस की थी ई यानी नॉमिनल एक्सचेंज रेट है दिस ई इज द रियल एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाइड बाई प्राइस लेवल इन द फॉरन कंट्री और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं डोमेस्टिक प्राइस लेवल से सो so, हमने देखा है कि मनी ट्रे कंट्रेक्शन के नतीजे में डोमेस्टिकली प्राइसेज में कमी वाकई होगी और इस कमी के नतीजे में अब आपका नॉमिनल एक्सचेंज रेट जिस परपोर्शन से आपकी ये डोमेस्टिक प्राइस कम होंगी बाई द सेम प्रपोर्शन आपका नामिनल एक्सचेंज रेट जो है वो राइज कर देगा ओके थैंक यू